Good morning, dear kids. How are you? I hope you all are safe at home. I welcome you all in today's maths class. Dear kids, today we will learn about descending order. Okay? But what is descending order? Descending order means greatest to smallest number. Means aapne aap in the previous class we have already learned about ascending order. Okay, हम ascending order के बारे में पढ़ चुके हैं. उसमें हमने क्या किया था? Smallest to greatest number पे गए थे. और descending order में उसका opposite है बेटा. उसमें क्या करना है? आपने greatest to smallest number जाना है. Means सबसे पहले बड़ा, फिर then उससे small, फिर then उससे small, फिर then उससे small. Okay? देखो, look at this picture. इसमें देखो, अब ये boy है. ये कहाँ खड़ा है? Top पे खड़ा है. Yes ना? आप जैसे आपने stair जो है चढ़कर आप ऊपर गए, ठीक है? आप कहाँ पे होते हो? Top पे होते हो, ठीक है? अब आपने वापस आना है, नीचे आना है वापस, ठीक है? तो आप top से one by one step नीचे आओगे ना? ये देखो, this boy पहले यहाँ पे आएगा, फिर then up. ये डाउन, फिर डैन डाउन 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 होकर और यहाँ पे नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है? अंडरस्टूड? ऐसे ही आपने इसमें करना है, नंबर्स में, ठीक है? ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर जाना है आपको. ओके बेटा, व्हाट इज दिस? ये क्या है? दिस इज बैकवर्ड काउंटिंग, ठीक है? बैकवर्ड काउंटिंग आती है ना आपको? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है? ये क्या है? बैकवर्ड काउंटिंग, ठीक है? मींस इसमें हमने क्या लिखा हुआ है? ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर जा रहे हैं नंबर, ठीक है? फर्स्टली देखो, 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 6, फिर 5, फिर 4, 3, 2, 1. विद द हेल्प ऑफ बैकवर्ड काउंटिंग वी विल सॉल्व दिस. ओके देखो, आप फर्स्ट आपका बिट क्या है? 3, फिर नेक्स्ट क्या है? 7, फिर क्या है? 9, और फिर क्या है? 2. आपने इसको किस में अरेंज करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है? हाउ टू सॉल्व इट, ठीक है? अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? व्हिच नंबर इज ग्रेटर? सबसे पहले आपने बड़ा नंबर बताना है, ग्रेटर नंबर. अब 3, 7, 9 और 2 में से ग्रेटर नंबर कौन सा है? टेल मी. 9 है ना? तो आपने 9 यहाँ पे राइट करना है फर्स्टली, ठीक है? और इसके ऊपर टिक का पुट द टिक साइन. और हाउ मेनी नंबर्स आर लेफ्ट? 1, 2, 3. 3 नंबर्स आर लेफ्ट, 3, 7 और 2. अब इनमें से ऑब्जर्व करना है बेटा आपको कि कौन सा अब ग्रेटर है, ठीक है? अब इसमें से क्या ऑब्जर्व करोगे? कौन सा ग्रेटर है? अब इसमें से कौन सा ग्रेटर है? 7. तो राइट हियर 7. ओके अब हाउ मेनी नंबर्स आर लेफ्ट? 2 नंबर्स आर लेफ्ट, 3 और 2, ठीक है? अब 3 और 2 में से विच नंबर इज ग्रेटर? कौन सा नंबर ग्रेटर है, ठीक है? तो 3 है. तो योर नेक्स्ट नंबर व्हाट विल कम? 3. एंड पुट द टिक साइन. एंड लास्ट नंबर मींस रिमेनिंग नंबर, अब क्या रह गया? 2. तो राइट हियर 2. अंडरस्टूड, ठीक है? लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. ओके 24, 35, 49 and 1, 8, 18. ओके अब देखो, फर्स्ट वाला में क्या था? वो ओनली वन वन डिजिट वाला था. अब इसमें कितने डिजिट है? हाउ मेनी डिजिट? 2-2 डिजिट है एवरी बिट में, ठीक है? अब देखो, फर्स्ट नंबर क्या है? 24, नेक्स्ट 35, 49 एंड 18. ओके आपने क्या ऑब्जर्व करना है? फर्स्टली फर्स्ट डिजिट, नंबर का फर्स्ट डिजिट, ठीक है? ये क्या है? 2, 3, 4, 1. ओके अंडरस्टूड? 2, 3, 4 और 1, ठीक है? अब विच डिजिट इज ग्रेटर? कौन सी डिजिट जो है वो ग्रेटर है? अब इसमें से बताना है आपको.
थ्री फोर और वन में से फोर फोर है ना, तो आपका फर्स्ट नंबर क्या आएगा 49। देखो फोर तो डिजिट ग्रेटर है बट पूरा कंप्लीट नंबर क्या है 49। तो ये फर्स्ट नंबर 49 एंड पुट द टिक साइन। ओके अब थ्री नंबर्स आर लेफ्ट, ओके 24, 35 एंड 18। ओके अब देखो विच अब डिजिट इज ग्रेटर, अब कौन सी ग्रेटर है 2, 3 और 1 में से। ओके अब 3 है तो कंप्लीट नंबर क्या है बेटा 35, आपका सेकंड नंबर क्या होगा 35। ओके राइट हियर 35 एंड पुट द टिक साइन, अंडरस्टूड। कम टू नेक्स्ट, टू नंबर्स आर लेफ्ट 24 एंड 18। ओके 2 और 1 में से विच नंबर इज ग्रेटर 2, है ना 2 है तो अब कंप्लीट नंबर क्या है 24। ओके व्हाट विल कम नेक्स्ट नंबर 24 एंड पुट द टिक साइन। अब रिमेनिंग नंबर अब कौन सा रह गया लास्ट नंबर 18, तो